ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार। आए है भाई, ये तो कर्तव्य कर रहा भाई, क्या बात है। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम निकल रहे हैं चिड़ियाघर के लिए। चिड़ियाघर निकलते हुए सबसे पहले हमें पता लगा कि हमारी जो बाइक है ये कह रही है कि भाई हमें भी भूख लगी हुई है, पहले कुछ खिला पिला दो। तो चलो इसको पहले पिलाया जाता है, चलो पहले पेट्रोल गिरवाते हैं। पेट्रोल गिरवाने के बाद फिर हम निकलते हैं जू के लिए। तो आज मेरे साथ अंजलि और नवीन मेरे साथ होंगे। तो अब हम जल्दी से फटाफट पेट्रोल गिरवाते हैं। तो हमने 250 रुपये का पेट्रोल गिरवाया और ये कंप्लीट हो गया। चलो अब हम फटाफट निकलते हैं जू के लिए। तो आप वीडियो में बने रहे और एंजॉय करें। लेट्स गो। अगर आप बस से आते तो ये देखो, ये जू का आप देख रहे बस स्टैंड। और हम जू के पास पहुंच चुके हैं, जस्ट हमारे राइट में, तो सॉरी हमारे लेफ्ट में जू है। ये देखो लिखा हुआ है पार्किंग एरिया यही है। तो पहले हम चलते हैं पार्किंग में। हाँ जी, कितने का लिया आपने? ये 30 रुपये दे दीजिए। 30 का? ये 30,000 का लिया? 30 दे दीजिए। अरे बहुत प्यारा आता है, एक्शन कैमरा होता है। तो हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं जू के पास। तो मेरे साथ आई है मेरी भांजी और ये नवीन मेरे। तो हम पहले देखते हैं यहाँ टिकट बुक के लिए कैसे क्या प्रोसेस है। तो पहले टिकट बुक करते हैं दोस्तों। ये टिकट बुक करने का प्रोसेस है, तो आपको फटाफट हम बताते हैं कि टिकट बुक कैसे करते हैं। तो आप अपने मोबाइल पर जाए, क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और जू टिकट इस पर सर्च करें। जू टिकट आने के बाद आप ये लॉगिन करें अपने मोबाइल नंबर डाल के, उसके बाद जो भी ये कोड आता है कोड डालें। देन उसके बाद आपको आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP डालें। OTP डालने के बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपसे पूछेगा कि आपको कब जाना है, यानी आज जाना है या कल जाना है, ठीक है। तो वो आप सिलेक्ट करें आपको किस डेट पे जाना है। उसके बाद आपसे टाइमिंग पूछेगा, तो टाइम आप सिलेक्ट कर लें 8:30 से 12:30 या 12 से 4:30। उसके बाद एडल्ट की टिकट 80 रुपये की है और बच्चे हैं अगर 12 साल से नीचे की तो वो 40 रुपये की टिकट है। तो आप इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे आपने जो भी बुक किया उसकी समरी आ जाएगी। समरी में उसके बाद आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो मेक पेमेंट पर क्लिक करें। मेक पेमेंट क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर आप UPI द्वारा करना चाहते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ। तो डेबिट कार्ड का अपना कार्ड नंबर डालें, कार्ड नंबर डाल के या जो जो इस पर फॉर्मेलिटी है वो पूरा करें। उसके बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP आप डाल दें। उसके बाद आपकी टिकट बुक हो जाएगी। उसके बाद इस तरीके से आपका टिकट आ जाएगा और ये स्कैनर आपको दिखाना है आगे। भैया बैग ले जाने देते हैं नहीं अंदर? नहीं, खाने का नहीं है, कैमरे का आइटम है। ले जान देंगे ये हेलमेट, हेलमेट जमा करना थोड़ा भैया, सही से रख लेना। ऊपर रख दो ना, ऊपर ही साइड में रख दो। हाँ, सबसे ऊपर रखवा दीजिए जिसमें कोई सामान नहीं रखा है, जिसमें एक माइक लगा हुआ है। माइक खोल लो, माइक भाई। नहीं नहीं, ये फिर चाइस कर निकलेगा नहीं। 5 रुपये दे दो। जो आपने टिकट बुक किया था यहाँ पे आप बारकोड दिखाएंगे, उसके बाद ये स्कैन करके तभी आपको अंदर जाने का परमिशन देंगे।
तो आप यहाँ से अंदर जाके यहाँ थोड़ी चेकिंग होगी, दोबारा बैग यहाँ चेक करवाना पड़ेगा और हम बैग चेक करवाते हैं और देखते हैं अंदर जाके जल्दी से। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही अप लेवल पे है। तो दोस्तों चेक करवा लेते बैग चेक, खाने पीने के सामान नहीं जाते अंदर। तो दोस्तों यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, हम तीन लोग साथ में। तो ये देखो देख सकते हैं दोस्तों क्या कितना ही प्यारा है, सुनहरा। वाओ, ये एंट्री करते ही हमें सबसे पहले ये दिखा गार्डन। तो दोस्तों चिड़ियाघर का सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट ये है, काला हंस। काला हंस, काला हंस ये है जो कि अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक झोपड़ पट्टी सी तो बनी हुई है आगे जो आप देख रहे हैं। बट अभी तो गाइस आज का व्लॉग मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको झूले लेकर आए हैं, देखिए आगे। तो दोस्तों आप इसे भी बुक कर सकते हैं, ये बैटरी वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो आप इसमें एडल्ट का जो चार्ज है और बच्चों का जो चार्ज है वो आपको इस लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। जो लेफ्ट साइड में ये जो काउंटर देख रहे हैं, आप यहां से बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए 70 रुपये चार्ज है, बच्चों का 30 रुपये चार्ज है। तो यहां से आप बुक कर सकते हैं इस। तो दोस्तों ये जल पक्षी है और आप देख पा रहे हैं काफ़ी दूर है, कितना ही सुंदर है यार। तो दोस्तों ये चिड़ियाघर का सबसे पहला जानवर जिसमें ये देख के नील गाय लग रहा है, मध्य भारत के त्रिनपक्षी। तो दोस्तों ये रहा, देखो आप शेर पूछ लेंगे। ओहो तो चिड़ियाघर का दूसरा जानवर रैबिन, और ये देखो जो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। जो अभी कहीं नजर ही नहीं आ रहा, सो रहा होगा बेचारा। गाइस पहले यहाँ पे इस एरिया पे पहले बदमानुष था, कहाँ है लेकिन अब बैबून लिखा हुआ है, देखते हैं अभी है कहाँ पे। अभी आप देख पा रहे होंगे बैबून अभी निकल के पूरा बाहर टहल के फिर जाके अपने वो धूप के कारण शायद वहाँ छांव में बैठा है। दोस्तों काफ़ी दूर है जो ये दूसरा जो आप देख रहे हैं जानवर बोनेट बंदर। अब इसका नाम बोनेट क्यों है ये मुझे नहीं पता, बट इस डोनेट रख दिया। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं, ये कौन सा जानवर है भाई, ये है गौर। और गौर से देखो, गौर तो ये रहा लेकिन गौर कहाँ है, और गौर तो दिखा नहीं लेकिन वो सामने देखो वो मोर है यहाँ, तो गौर की जगह मोर। वाह भाई वाह, उधर कूद के चला गया वो तो उधर। भाई गौर तो लग रहा है ये जो आप देख रहे हैं घर शायद इसी के अंदर होगा, क्योंकि धूप के कारण अंदर कर दिया गया है। गौर नहीं है यहाँ तो मोर है। तो ये सांबर हिरन, ये देखो दोस्तों ये रहा सांबर हिरन, बहुत ही बड़े बड़े हिरन है ये तो। ये देखो इसे गधे लग रहे हैं देख के। गधे लग रहे
दोस्तों ये है थर्ड व्लॉग और आपको दिखाएं, ये अभी भाई रेस्ट कर रहा है, इसका रेस्ट का टाइम है। गौर से देखिएगा, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये सो रहे हैं, तीन हैं, ये तीनों अभी आराम कर रहे हैं भाई। चलो चलो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सो जाओ, अभी तुम्हारा स्लीपिंग टाइम है भाई। हमारे लोग इतने अच्छे हैं ना, यहाँ भी थूक रखे हैं भाई। भाई ये रहा लोमड़ी, ये भी रेस्ट कर रहा है भाई, रेस्ट पे अभी। दोस्तों ये है लोमड़ी, ओहो ये थक गया भाई, किस किस की सुना ये भी। ओ भाई राइनोसोरस, भारतीय गैंडा, ये देखो जाइए भाई, काफी विशाल है ये तो। एक आए हाय भाई, ये तो कर्तव्य कर रहा भाई, क्या बात है। आप गौर से देखे, इस गैंडे के ऊपर कौवा सवारी कर रहा भाई। ओ भाई खुजली करता हुआ गैंडा। और एक ये देखो, ये दोस्तों ये कहाँ आ रहा है, ये देखो वाव, सुंदर, अति सुंदर भाई, अति सुंदर, फोटो कितना मस्त आ रहा है। दोस्तों ये है चीतल, आप देख पा रहे होंगे ये कितना ही खूबसूरत है, ये देखिए दोस्तों, ओ वाह बहुत सुनहरा है। काफी बढ़िया है, इनके शरीर पे व्हाइट व्हाइट से पॉट्स हैं और ये 12 सिंगा की तरह इनके सिंग भी हैं। ये हिरन देखो भाई, सब रेस्ट करते हुए और कितना सुंदर लग रहे हैं, ये देखो सब एक जैसे ही पोजीशन पे हैं भाई, गजब लग रहे हैं ये तो, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, सब रेस्ट करते हुए, इनका सबों का इस समय लग रहा है रेस्ट टाइम ही है, हम ही लेट आए हैं इनके रेस्ट के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है नीला पीला मकाओ, और ये कहाँ है जरा, हो यार ये रखकत ही सुंदर है भाई, ये देखो आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाएं हम, वो भोजन कर रहे भाई। अरे यार ओ हो, बस 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 वहाँ है, ओ भाई ये है बढ़िया, लाल हरा मकाओ, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये आप देख रहे हैं, है इलिगर्स मकाओ, वो ये रहा तो सुनहरा, ये देखो ये काफी सुनहरा है, वाह यार, तो हम रेड कलर का, वो देखो वो एक इसके पीछे है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये रहा ये ग्रीन और ये रेड, तो ये अफ्रीका धूरस तोता, वो ये बैठा,
ये बहुत ही ये लॉक कर रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे तोते ही तोते हैं, वाइट कलर लव बर्ड जिसे कहते हैं वो सारे हैं यहाँ पे, बट ये लॉक किया हुआ है, ये ओपन नहीं है अब, ये नहीं पता किस लिए नहीं है। तो दोस्तों एक जानवर बाहर आ चुका है, आपको दिखाते हैं, बहुत ही खतरनाक जानवर है, और ये देखो ये बैठता है ये जानवर। ओ भाई इसको लग रहा है छुट्टी मिल रखी है भाई थोड़ी देर के लिए, ये बाहर आके बैठा हुआ है। लाल वन कुटकुट ये बैठा जी, ये कुटकुट ये तो मुर्गा भाई, हमारे देसी भाषा में तो इसे मुर्गा कहते हैं, देसी मुर्गा। और ये देसी मुर्गा के ऊपर ये कौन बैठा? भाई देसी मुर्गा को तो कैद कर रखा है, और ये रहा ये देखो मामा सामने, और गौर से देखो आप, यहाँ एक छुटंकी सा भी है, ये रहा छोटा बच्चा बैठा हुआ बंदर का, ये देखो का। इसका नाम है धनेश। ओ हो कहाँ के भाई, चलो आगे। छोटा धनेश। तो चलते चलते बहुत ही थक चुके हैं, सोच रहे हैं कुछ पानी वगैरह मिले, बट क्या करें, यहाँ तो हम अंदर आके देखें, यहाँ तो कैंटीन ही बंद है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कैंटीन है, बट ये बंद हो चुका है, बंद हो चुका नहीं बंद ही है। तो चलो भाई क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम भाई। तीनों जने अपने अपने काम में लगे हुए, और ये तीनों को देखते हुए, ये देखो ये पीछे से कौन आ रहा है, अब भाई हमें लग रहा है यहाँ से निकलना चाहिए, हमें देख के इधर भग रहा भाई, एक किधर जा रहा है, तो चलो भाई निकलते हैं। तो दोस्तों ये देखो मिस्त्री गिद्ध, दोस्तों ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, ये देखो ये गिद्ध भाई, बहुत विशाल होता है ये पक्षी, ये देखो जी, ये देखो जी, ये है ब्रांड ऑल कैरल, ये बैठा ये रहा दुबके से, आप गौर से देखेंगे तो दिख जाएगा ये बैठा। चलो जी तो ये देखो दोस्तों चील, ब्राह्मणी चील, काफी विशाल है भाई इसके पंजे, ओ भाई बड़ा डरावना ये, तो ये देखो यार इसकी आंखें कितनी खतरनाक है, ओ भाई कितना विशाल है, एक ये देखो एक ये सो रहा यार, मगरमच्छ देखने में तभी मजा आता है जब ये चल रहा हो, इन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे स्टैचू बने हुए, ये देखो एक ये रहा, और दोस्तों एक ये देखा है आपको, आपको ये बड़े पास में बहुत ही बड़ा मगरमच्छ है, तो देखिए ओ भाई कितना विशाल है यार, ओ भाई कितना खतरनाक लग रहा है यार, ओ भाई ये शेर देखो यार कितना ही विशाल लग रहा है, ओ वाव यार, जिसके लिए हम चिड़ियाघर में आए थे।
दोस्तों ये हाथी काफ़ी दूर है, जूम से शायद दिख जाए थोड़ा। ये दो दांतों वाला हाथी बहुत दूर है भाई। दोस्तों ये है जल पक्षी, ये काफी सारे हैं यार, ये तो पूरा तो दोस्तों ये है दरियाई घोड़ा, आप ये उठाया मुँह, ये तो पटोमस, ओ वाह काफ़ी बिग है ये तो, ओ बहुत बड़ा है यार ये तो, ओ इसका एक छोटा सा बच्चा भी है। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो ये सिर्फ गर्दन ही दिख रहा है, ये देखो वो वहां से देख रहा है। शेर है, कोने पे कुछ खा रहा है ना, पानी पी रहा है। खा रहा है या बेच दे? कौन है ये? तेंदुआ है, तेंदुआ तू भी देखी कितना, तू भी देखी एक ही हो रही थी, इसमें तो एक ही दिख रहा, एक में तो एक ही होता ना, अगले वाले में देख के खुले घूम भी तो अच्छे में रहा बस, अब नहीं पकड़ रहा, जाली नहीं दिख रही है, अगे देखना मैं क्या, प्रिंस को पकड़ो, प्रिंस को मत छोड़ के भागो ऐसे, पकड़ा था वीडियो सही चलाएंगे। ये दोस्तों ये है सुनहरे भाई व्हाइट हिरन, यार कितना सुंदर लग रहे हैं यार। ऐसे ही रहते हैं, मतलब धूप लेते हैं ना एनर्जी। अरे वाह लड़ाई कर रहा,
पास में जी, पास में जी। तो दोस्तों चिड़ियाघर का ये लास्ट पक्षी ईमू देख रहे होंगे आप, ये चिड़ियाघर के सबसे लास्ट पक्षी है, ईमू नाम है इनका। मिले इनसे, ये शुतुरमुर्ग की तरह ही दिखते हैं बट उनसे छोटे होते हैं ये। तो ठीक है दोस्तों, हम अब यहीं पे एंड करते हैं अपनी चिड़ियाघर की यात्रा को। तो दोस्तों हम 3:30 बजे के निकले हुए अब चिड़ियाघर में, अब समय हो चुका है 5:30 यहाँ पे आएंगे। तो आपको बता दें हमें घूमने में तो बहुत ही मज़ा आया और होप करते हैं कि आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब आपको बताता हूँ ये चिड़ियाघर का लास्ट सीन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस एक और चीज बता दूं, बहुत थक जाते हैं, आइएगा पूरा एनर्जेटिक होकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।